सुनील शेट्टी। अगर आप इनका नाम सुनते हैं तो सीधे सीधे तौर पर आप जानते ही हैं कि ये हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस में से एक। नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हाल ही फिलहाल में जब सुनील शेट्टी से उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने साफ जाहिर कर दिया और उन्होंने अपनी गलती मानी कि उन्होंने बीच में हार मान ली, जिसकी वजह से वह अक्षय कुमार और अजय देवगन को अभी भी याद करते हैं। जी हां, 90 के दशक में सुनील शेट्टी बॉलीवुड के लीड एक्टर में से एक थे। उस वक्त इंडस्ट्री में एक्शन हीरो के नाम पर अक्षय, अजय देवगन और सुनील शेट्टी का नाम लिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ तीनों करियर में आगे अलग अलग मोड़ पर पहुंच गए। अक्षय कुमार और अजय देवगन ने जहां आज तक अपनी पकड़ बनाए रखी है, वहीं सुनील शेट्टी अपनी कुछ गलतियों की वजह से उस रेस में शामिल नहीं हो पाए। ये बात खुद सुनील शेट्टी ने मानी। एक वेबसाइट को उन्होंने इंटरव्यू दिया और 57 साल के सुनील ने अपने करियर और साथियों की सफलता के बारे में बहुत सारी खुलकर बातें की। सुनील ने कहा कि आज जब मैं अक्षय और अजय को देखता हूं तो गर्व महसूस होता है। मैं उन्हें सल्यूट करता हूं, वह मेरे करीबी दोस्त हैं। उन्होंने आज जो मुकाम हासिल किया है वह उससे मुझे प्रेरित करते हैं। मैं जलता नहीं हूं, मैंने गलतियां की हैं और उन्हीं की वजह से आज मैं यहां हूं। मैं उन दोनों की बहुत तारीफ करता हूं और सोचता हूं कि काश मैं भी उन जैसा होता। उसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। दोस्तों, सुनील ने अपनी गलतियों के बारे में बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि मैं इमोशनल था, मैंने कभी अपना करियर प्लान नहीं किया, ना कभी उतार चढ़ाव की प्लानिंग की। अगर मैं गिरा तो गिरा, अगर मेरा फ्राइडे अच्छा नहीं है तो यह सब केवल मेरी गलतियों की वजह से है। उनका फ्राइडे का मतलब था कि जब कोई भी हीरो अपनी मूवी रिलीज करता है तो वह सोचता है कि उसकी मूवी फ्राइडे, यानी कि उसका फ्राइडे अच्छा जाए। ऐसे में उन्होंने और भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं कभी भी ये सोचकर नहीं जाता कि पिछले शुक्रवार रिलीज हुई फिल्म हिट थी या फ्लॉप। मैं दिमागी रूप से काफी मजबूत हूं और मैं खुद पर भरोसा रखता हूं, जल्द ही बॉलीवुड में वापसी करूंगा। दोस्तों, ऐसे में खास तौर पर यह चौंकाने वाली बात है कि जल्द ही सुनील शेट्टी एक नए एक्शन अवतार में दिख सकते हैं। अब ये तो व्यूअर्स और ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी फिल्म को आखिर क्या क्या रेटिंग वह देंगे, लेकिन ऐसे में साफ जाहिर है कि सुनील शेट्टी भी जल्द ही अपने पुराने एक्शन अवतार में नजर आ सकते हैं और क्या पता उनकी ये दोबारा से बॉलीवुड में रिटर्न टिकट हमेशा के लिए उन्हें बॉलीवुड में रोक दे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी है वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।